biggest South Asian media group, Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse, television. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. चैनल वाई देख रहे सारे दर्शकों का युधवीर जसवाल की तरफ से स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी। हम सब जानते हैं कि इस साल चार इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये 2016 में, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या प्लानिंग होगी? क्या आम आदमी पार्टी 2016 में ये जो चार स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, चाहे बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है या फिर असम है, क्या कहीं पार्टिसिपेट करेगी? और अगर नहीं कर रही है तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? इसके अलावा 2017 में आम आदमी पार्टी की प्लानिंग है कि वो पंजाब में जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या तैयारी की है आम आदमी पार्टी ने पंजाब की इलेक्शंस के बारे में? इसके अलावा हम बातचीत करेंगे कि क्या पंजाब में अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या वो गवर्नेंस दे सकेंगे, क्या वो एक ईमानदार सरकार दे सकेंगे? इसके बारे में आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जल्दी ही लाइन पर जुड़ने जा रहे हैं संजय सिंह जी। हम बता दें कि संजय सिंह जी एक फाउंडर मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा संजय सिंह इस समय पंजाब अफेयर्स के इंचार्ज भी हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। यू आर वेरी वेलकम संजय जी। और जहां हम कनाडा में आपका वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से स्वागत करते हैं, आप रिसेंटली यहां पर कनाडा आए भी थे, सो अब मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो आपकी सरकार बन गई है, लेकिन अब इसके बाद आम आदमी पार्टी की क्या प्लानिंग है आगे? देखिए, पंजाब अगला हमारा टारगेट है और 2017 के अंदर पंजाब में एक बड़ा परिवर्तन होगा, मैं ये आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। पंजाब की जनता आम आदमी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ बहुत तेजी से जुड़ रही है। पिछले दिनों जो माघी मेले में रैली हुई, उसमें लगभग 5 लाख लोग इकट्ठा हुए पूरे पंजाब से, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा संदेश है। लोगों ने अब ये जता दिया है कि जो दोनों पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, अकाली दल हो, दोनों पार्टियों से जनता उठ चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है। दोनों डिस्क्रेडिटेड पार्टियां हैं पंजाब के अंदर। अकाली दल पिछले 10 सालों में माफियाओं की पार्टी बन गई है, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, ड्रग माफिया, और सारे माफियाओं के सरगना सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो उनको संरक्षण देते हैं। तो ऐसी सरकार से लोग निजात पाना चाहते हैं, इसलिए एक ईमानदार विकल्प आम आदमी पार्टी का लोगों को आज पंजाब में मिला है। लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और आप देखिएगा दिल्ली की तरह ही एक बड़ा परिवर्तन पंजाब में होगा। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस एक डिस्क्रेडिटेड फोर्स है। 2012 में भी मुख्यमंत्री का चेहरा डॉक्टर अमरिंदर सिंह के लोगों ने उनको नकार दिया, और कांग्रेस का एक काला इतिहास भी है पंजाब में, चाहे वो ब्लू स्टार का हो या 84 के कतलेआम का हो। तो लोग कांग्रेस पे यकीन करने वाले नहीं है। आज आम आदमी पार्टी एक ईमानदार विकल्प लोगों के सामने है और देखिएगा कि आप इतना परिवर्तन पंजाब में होगा जी। पंजाब की तरफ और आएंगे, डिटेल में आपसे बात करेंगे। नेशनल लेवल पे क्योंकि ये 2016 है, सो 2016 में इस साल इंडिया में चार स्टेट्स में इलेक्शन होनी है, हाल ही में भी पिछले साल में बिहार में इलेक्शन हुई है, तो ये 5 असेंबली इलेक्शन में मतलब आम आदमी पार्टी अगर देश को हम सुधारने की बात करें तो दिल्ली के अलावा यहां कहीं पर भी नजर क्यों नहीं आ रही है? नहीं, आप किसी भी चुनाव में जाएंगे तो सीधे चुनाव में तो उतर नहीं जाएंगे जी। आपके पास एक आधार होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए जी। एक मजबूत संगठन का निर्माण हो, जनता के मुद्दों पर संघर्ष हो, रैलियां हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, आप अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराएं, जनता का विश्वास जीते और उसके बाद चुनाव में जाए। ये काम हमने पंजाब में किया है, दूसरे राज्यों में भी हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व उसके बारे में फैसला लेगा, वहां चुनाव लड़ने की स्थिति है नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको ये कह सकता हूं कि पंजाब के बारे में हम लोगों का निर्णय पूरी तरह से हो चुका है वहां चुनाव लड़ने के बारे में। और पंजाब में आपको 2017 में आम आदमी की सरकार मिलेगी।
पंजाब की तरफ हम फिर जाएंगे, लेकिन बिहार में जैसे इलेक्शंस हुए या यहाँ भी इस साल 4 असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो अगर आपका पूरा आधार नहीं है, आप खुद बहुत सारे आपके लीडर्स जो हैं वो यूपी से हैं, इसके अलावा इस साल हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु, केरला, बंगाल, असम में इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि बिहार में भी आपने एक अलग अल्टरनेटिव नहीं दिया वहाँ पर, क्योंकि वही आप जानते हैं कि करप्शन के खिलाफ जो आपकी लड़ाई है, तो लालू प्रसाद यादव जी फिर दोबारा वहां सरकार बना रहे हैं, उनके बेटे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गए हैं, तो आम आदमी पार्टी 2, 4, 5, 10, 20 कुछ तो कैंडिडेट खड़ी करे, बिहार में खड़ी करती, या आने वाली ये जो 4 इलेक्शन है इनमें क्यों नहीं आप कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं? देखिए, हमने दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद जितने संगठन निर्माण का काम शुरू किया है, बिहार में हमारे चुनाव लड़ने लायक संगठन की स्थिति नहीं थी, इसलिए चुनाव में हम नहीं गए वहां पे। अगर हमारे पास एक मजबूत संगठन होता, थोड़ा समय मिल गया होता, निश्चित रूप से चुनाव में जाते हैं। हमने कभी भी लालू प्रसाद का समर्थन नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात प्रचारित की जाती है। हाँ, नीतीश कुमार एक साफ सुथरी छवि के नेता है, इसलिए उनका समर्थन करने की बात कही। लेकिन आप लालू प्रसाद दूसरे राज्यों में चुनाव, दूसरे राज्यों में भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी जी, आप धीरे धीरे देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में हम जाएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन एक पार्टी की रणनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, धीरे धीरे हम दूसरे हिस्सों में भी बढ़ेंगे। जी। आज हम संगठन हर जगह तैयार कर रहे हैं, हमारा उत्तर प्रदेश में भी मजबूत संगठन है, उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, नेशनल एक्सपेंशन हो रहा है पार्टी का, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन अभी जो चुनाव लड़ने की स्थिति है मजबूती के साथ, वो पंजाब में है, इसलिए पंजाब जा रहे हैं पहले। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप बात करते हैं, आपने अकाली दल के बारे में भी बहुत कुछ कहा, मैं आगे चल के जरूर पूछूंगा, कांग्रेस के बारे में कहा, लेकिन कहीं पर भी संजय सिंह जी आपका या किसी का बयान लालू प्रसाद यादव जी के करप्शन के बारे में मुझे रिसेंटली सुनने में नहीं आया। सबसे ज्यादा मैंने बोला है, आप यूट्यूब पे चले जाइए, मेरे बयान सुन लीजिए। जी। जिस दिन उसने अपने दोनों बेटों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, मैंने सबसे पहले बयान दिया पार्टी की ओर से कि चुनाव के पहले दलितों और पिछड़ों के आरक्षण की बात कर रहे थे, चुनाव जीतने के बाद अपनी दोनों बेटों को आरक्षण दे दिया, मैंने बोला है लालू यादव के खिलाफ। नहीं, वो आपने आरक्षण यादव की राजनीति का हम कतई समर्थन नहीं करते। जी जी, नहीं आपने वो जरूर बात की है, लेकिन उनके जो खिलाफ करप्शन है, जो चारा घोटाला और इतना सब कुछ है, करप्शन के बारे में आपने उनके खिलाफ, और स्पेशली जब इलेक्शन का टाइम था, आपने या अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी इलेक्शन के टाइम में लालू जी के खिलाफ आपका कोई बयान नजर नहीं आया उस समय? देखिए, लालू प्रसाद यादव पे उनको सजा हो चुकी है, उनका जो करप्शन चारा घोटाले का मामला था, उस मामले में उनको सजा मिल चुकी है, अभी वो बाहर है, अब उसमें इस देश के भ्रष्टाचार से संबंधित कानून को ही मजबूत करने की वकालत हम लोग करते रहे। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मजबूत कानून हो तो ऐसे लोग जेल के अंदर नजर आएंगे। तो पंजाब की बात पे जाने से पहले, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत सारे जो यहाँ पर इंडिया से जो लोग बिलोंग करते हैं, NRIs हैं, वो पंजाब के बारे में बहुत जानना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि अगले कुछ देर में, कुछ महीनों में वो आप लोगों के पास वहाँ आते जाते रहेंगे, इन टच रहेंगे, लेकिन एक मिनट पंजाब पे जाने से पहले, नेशनल लेवल पे अदर देन पंजाब, मेरा आखिरी सवाल है नेशनल लेवल की रणनीति पर, कि कोई आपका कोई प्लानिंग है कि अगले साल, 2 साल में, 2016 या 17 में कहीं पर भी और असेंबली इलेक्शंस लड़नी है अदर देन पंजाब अगले 2 साल में? देखिए, उसके बारे में संगठन की समीक्षा करके पार्टी निर्णय लेगी। जी, अभी उसमें थोड़ा समय है, 17 में चुनाव है, तो थोड़ा समय हम लोग संगठन निर्माण के लिए राज्यों को और दे रहे हैं। जी, 2-3 महीने के बाद पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठेगा और तय करेगा कि किन राज्यों में और हमारी निर्णय की स्थिति है। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब की। देखिए, आपने अभी बड़े सारे गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस समय जो अकाली सरकार है वहां पर, उस पर बहुत सारे सवालिया चिन्ह जो है वो लगते रहे हैं। लेकिन अब मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जैसे आपने भी काफी बात कही है, अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी अच्छी बात की कि वहां हम कमीशन बिठाएंगे, सब करेंगे, लेकिन माघी पे मेले पे साथ में जो उन्होंने ये लाइन भी कह दी कि मैं आकर उनको जी प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे को मैं जेल भेज दूंगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जी न्याय भी आप ही दे देंगे, सब कुछ आप ही दे देंगे, आपने वर्डिक्ट भी डिलीवर कर दी, न्यायिक जांच बिठाइए, उसके बाद जो वर्डिक्ट आएगी वो न्यायालय का काम है, वो तो आप अरविंद केजरीवाल जी और आप लोग तो वर्डिक्ट भी देने लग पड़े हैं। देखिए, अगर एक ईमानदार सरकार हो
जी, तो ये बेईमान बाहर घूम नहीं सकते खुलेआम जी। आज प्रॉब्लम क्या है कि विक्रम मजीठिया का नाम लेता है डीएसपी जो पकड़ा जाता है 6,000 करोड़ के ड्रग के मामले में जी, वो पूरा खुलासा हुआ था। जगदीश बोला, उसने नाम लिया कि हम तो कोरियर है, हमारे तो मेन सरगना विक्रम मजीठिया है, क्या हो गया उनके खिलाफ। जगदीप सिंह चहल, उसने विक्रम मजीठिया का नाम लिया, क्या हुआ विक्रम मजीठिया के खिलाफ। बल्कि जो ईडी का डायरेक्टर था उसका ट्रांसफर हो गया। तो जब सत्ता आपके हाथ में होती है, ताकत आपके हाथ में होती है, तो उसका आप दुरुपयोग करते हैं। आपने देखा दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति पे जो ईमानदारी के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, उनके दफ्तर पे छापा मरवा रहे हो। खूनी घोटाले में फंसे शिवराज सिंह के दफ्तर पे छापा नहीं पड़ा जी जी। व्यापम घोटाले में ललित मोदी के साथ भ्रष्टाचार करने के मामले में वसुंधरा राजे पे छापा, पूरा देश देख रहा है कि सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग मोदी की सरकार और अकाली दल की सरकार कर रही है। तो उसी के कारण ऐसे लोग बचे हुए हैं। जब ईमानदार सरकार आएगी, ईमानदारी से जांच कराएगी, तो ये लोग जेल के शिक्षों के पीछे होंगे, यही बात तो कहा उन्होंने। देखिए, आप इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी एक अच्छी गवर्नेंस की छवि बनी है और अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी आपकी, और मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरी अभी 2-3 दिन पहले प्रशांत भूषण जी के साथ भी हमने डिटेल में 1 घंटा इंटरव्यू किया, उनकी, योगेंद्र यादव जी की, आप सभी की छवि बहुत अच्छी है और देश को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन जब हम ये, आपने जो नाम लिए हैं कि जी उन्होंने नाम लिया है, तो विक्रम मजीठिया जी की इन्वेस्टिगेशन हुई है, आप ये कह सकते हैं कि कल को हम भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे तो न्यायालय अपनी कार्रवाई करेगा। तो ये कह देना कि जी मैं उनको जेल में डाल दूंगा, तो या आपने रिसेंटली जो आप इल्ज़ाम सीधे लगा देते हैं, तो जब तक वो न्यायालय, वो एक, आप तो खुद जानते हैं, आप तो खुद एक इतनी अच्छी गवर्नेंस दे रहे हैं, आप इतनी अच्छी सरकार वहाँ दिल्ली में चला रहे हैं, आपकी ऑड इवन स्कीम की तारीफ कांग्रेस ने की है, सब ने की है, तो ये जो चीजें हैं, खासकर मानिएगा, ये बुरा मत मानिएगा, ये मलाईदार बातें जो आपस में लोग ये कांग्रेस और बीजेपी वाले करते हैं ना जी जी जी, देश के लोग चिढ़ने लगे हैं। अच्छा, क्या हुआ 2002 के मामले में, अब तक कितने लोग गए जेल, आप मुझे बताइए जी। क्या हुआ राजा के घोटाले के मामले में, कहाँ है राजा, जेल के बाहर। कहाँ है लालू प्रसाद यादव, जेल के बाहर। कहाँ है सुरेश कलमाड़ी, जेल के बाहर। कहाँ है तनी मोई, जेल के बाहर। तो जो बड़े बड़े लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, कोयला घोटाले से लेकर CWG घोटाले तक, ये सब बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। अब इनके खिलाफ आप कहिए कि बहुत संयमित भाषा, और इनसे कहिए कि हम इनकी पूजा करेंगे, ऐसे लोगों को अब इन बातों से चिढ़ होने लगी है। लोगों को चाहिए एक ईमानदार सरकार जो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर सके। अब आप देखिए हालत क्या हो गई है, ईडीसीए में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ अरुण जेटली जी के अध्यक्षता में, वो चेयरमैन थे उस समय डीडीसीए के, उसमें क्या हुआ, उन्होंने उल्टा 90 करोड़ का घोटाला करने के बाद 10 करोड़ कह रहे हैं हमारी इज्जत चली गई, उसका आप मानहानि दीजिए। तो ये जो तरीका हो गया है, आप बताइए 17,000 रुपए प्रतिदिन लैपटॉप का किराया दिया जाता है, ये घोटाला नहीं है। पूजा की थाली 5,000 रुपए प्रतिदिन किराए पर ली जा रही है, 14 फर्जी कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान हो जाता है जो जमीन पे है ही नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचार को अगर हम खोल रहे हैं तो हम अपराधी हो जाते हैं, हमारे खिलाफ डिफेमेशन हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इन तरीकों से अब देश उठ चुका है, अब इनके खिलाफ सीधे बातें बोलनी पड़ेंगी। नहीं, आपकी सीधी बातें बोलने की हर कोई तारीफ करता है, ये जो चीजें आप सामने लेकर आए हैं, लैपटॉप की आपने बात की है, इसकी यहाँ बहुत चर्चा रही है यहाँ कनाडा में, आपकी आपकी इसी सीधी बात की तारीफ हो रही है, आपकी बेबाक जो आप राजनीति कर रहे हैं और जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो फाइन लाइन है, आप बिल्कुल सरकार में आइए, आप पंजाब में आइए सरकार में, और इंतजार है लोगों का कि चाहे आप आए सरकार में, चाहे कोई भी आए, एक ईमानदार सरकार आए और वो आके दोषियों को सजा दे, जो वहां पर ड्रग का माफिया चल रहा है उसको रोकने के लिए इंतजार कर रही है दुनिया भर के लोगों की निगाहें यहाँ कनाडा से। लेकिन अब आपके पास सोल्यूशन क्या है सर? दोषियों को सजा देंगे बिल्कुल जी। अब हम आपसे बात करते हैं, सोल्यूशन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में आपको पता है कि आए दिन किसान जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी उसके लिए? देखिए, हमने पंजाब डायलॉग आगे 1-2 महीने के अंदर हमने शुरुआत करने का निर्णय लिया है जी। पंजाब डायलॉग चला के, जैसे हमने दिल्ली डायलॉग चलाया था यूथ के साथ, फार्मर्स के साथ, टैक्सी वालों के साथ, ऑटो वालों के साथ, महिलाओं के साथ, उनके साथ डायलॉग करके, झुग्गी वालों के साथ, जैसे हमने दिल्ली में उनके लिए नीतियां बनाई थी, ऐसे ही पंजाब में करेंगे। पंजाब डायलॉग चला के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं,
उसमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके तब हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, वो हम आपके सामने रखेंगे। हमारा मैनिफेस्टो जनता के साथ हमारा एग्रीमेंट होगा, हमारा करार होगा, वो हमारे लिए जुमला नहीं होगा कि हम काला धन लाएंगे और 15 लाख हर खाते में जमा कर देंगे और फिर बाद में उसको कहेंगे जुमला है। हमने दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया, बिजली का दाम आधा किया, पानी मुफ्त किया, 50,000 रुपए हेक्टेयर किसानों को मुआवजा दिल्ली में दिया, 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिया, 84 के पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए हर परिवार को दिया। तो दिल्ली में हमने 8 दिन का जो फार्मूला लागू किया, जनता पे यकीन तो कीजिए, आम आदमी पे इतना बड़ा अभियान आम आदमी के भरोसे सफल हो गया। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मॉडल हम पंजाब के लिए रखेंगे सामने, उसके लिए समय लेके अलग अलग सेक्शन से बात करके, जो पंजाब की जनता को स्वीकार्य हो और जिसको हम पूरा करके दिखाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका संजय सिंह जी, वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा और मुझे पता है कि आप भी बिजी हैं, सो आपके साथ बातचीत आने वाले टाइम पे डेफिनेटली जारी रहेगी। जहां हमने आपके साथ बातचीत करनी है आने वाले टाइम में कि जी पंजाब के कुछ अफेयर्स के बारे में, उसके अलावा नेशनल अफेयर्स के बारे में मेरे सवाल अभी भी बरकरार हैं। हम अपने दर्शकों को यहां बता दें कि नेशनल लेवल पे अगर हम बिहार की पहले बातचीत कर लें तो बिहार पर क्या वजह थी कि आम आदमी पार्टी जो है, हम नहीं कहते कि सारी सीट्स पर अपने कैंडिडेट खड़े करते, अगर 10, 20, 15 या 30 सीटों पर भी आम आदमी पार्टी को अपने कैंडिडेट्स खड़े करने चाहिए तो एक अल्टरनेट तो जरूर मिलता, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज आम आदमी पार्टी की छवि एक ईमानदार पार्टी की छवि है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी अच्छे कैंडिडेट वहाँ इलेक्ट करते, सिलेक्ट करते, तो शायद मैं समझता हूँ कि ज़रूर मौका मिलता लोगों को कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनके अगेंस्ट अगर कुछ कैंडिडेट खड़े करते तो शायद कुछ कम कैंडिडेट्स लालू प्रसाद यादव की पार्टी के जरूर जीते। इसके अलावा इस साल भी अगर 4 स्टेट्स में इलेक्शन है, आपने सुना अभी संजय सिंह जी ने अभी कहा कि वो 4 स्टेट्स में इलेक्शन अभी तक तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रही, वो सिर्फ जंप कर रहे हैं सीधा 2017 पर पंजाब इलेक्शंस की तरफ। तो क्या ये सारा साल अगर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कहीं उत्तर प्रदेश में हैं या इस साल जो 4 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, असम में होने हैं, बंगाल में होने हैं, तमिलनाडु में होने हैं, केरला में होने हैं, तो क्या सारे इंडिया से जो जितने भी कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, क्या वो सिर्फ पंजाब पर ही अब फोकस करेंगे? क्या बाकी देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? ये बहुत अहम सवाल है और मैं समझता हूँ इनको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ज़रूर एड्रेस करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि ठीक है आप पंजाब में 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो इलेक्शंस हुई वहाँ आप सब जानते हैं कि प्रशांत भूषण ही वॉन्टेड टू लीड दैट, योगेंद्र यादव जी वहाँ बहुत स्ट्रांगली लीड करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ क्यों कुछ भी कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए गए और इस साल की 4 जो स्टेट्स हैं वहाँ कुछ भी कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़े किए जा रहे? ईमानदार सरकार का इंतज़ार हर स्टेट को है इस समय, मैं समझता हूँ कि पंजाब को भी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश को भी है, बंगाल को भी है, हर स्टेट इस समय ईमानदार सरकार का इंतजार कर रही है। लेकिन ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां ईमानदार सरकार आए और इंक्वायरी कमीशन बिठाए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी बात की है कि यस इंक्वायरी कमीशन हम बिठाएंगे, इंक्वायरी कमीशन बिठाइए, जो इस समय पुलिस फोर्स है उसको आप इंडिपेंडेंट करिए, लेट देम वर्क इंडिपेंडेंटली, इसके अलावा करप्शन को आप जड़ से खत्म करिए, लेकिन देन आपको यह भी मेक श्योर करना है कि जुडिशरी जो है ये उनका काम है कि आखिरकार वो किसी को सजा देते हैं, नहीं सजा देते, कितनी सजा देते हैं, वो जुडिशरी का काम है। सरकार का काम है कि यस ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली एक अच्छे तरीके से जरूर चलें। सो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा, किसी न किसी लीडर के साथ आपकी बातचीत जरूर कराते रहेंगे। आप देखते रहिए चैनल वाई। चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। कॉल रॉजर्स और बेल टुडे एंड सब्सक्राइब टू चैनल वाई। चैनल वाई। For more information, visit SouthAsiaDaily.com. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel.